हेलो गाइस, वेलकम टू प्रिया चौहान यूट्यूब चैनल। आज की इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में हम सीखेंगे से का यूज ऑफ से। ठीक है, जैसे कि प्रीपोजिशन चल रहा है उसी का नेक्स्ट टॉपिक है अपना, तो हम यूज ऑफ से का जो है वो चार टॉपिक कवर करेंगे आज और साथ में एक टॉपिक एक्स्ट्रा कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा उसके से वस्तु के साथ में से आएगा और बॉडी के पार्ट ऑफ बॉडी के साथ में से आएगा और वाहन के साथ से आएगा और पैदल के साथ कुछ नहीं आएगा और व्यक्ति के साथ से आएगा। तो हमें किस प्रकार से सेंटेंस का यूज़ करना है, चलिए हम आज के वीडियो में सीखते हैं कुछ एग्जांपल्स के द्वारा। ठीक है गाइस, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर शेयर करना। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल्स लेती हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल, वस्तु से मैं चम्मच से खाती हूँ, तो ये अपनी वस्तु है, तो इसमें क्या आएगा, आई ईट विथ स्पून। ठीक है गाइस, तो इस प्रकार से आपको अपना एग्जाम्पल कोई भी बनाना है जहाँ पर भी वस्तु से आ जाए, वस्तु कोई भी चीज़ हो, वस्तु हो और उसके साथ में अगर यूज करना हो तो आपको किस प्रकार से यूज करना है से का विथ लगा करके। ठीक है, वस्तु के साथ में विथ लगाना है आपको जब भी आपको वस्तु दिखाई दे और से दिखाई दे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मैं कहूँ बॉडी पार्ट के लिए एग्जाम्पल लूँगी कि हम कान से सुनते हैं, तो इसके लिए क्या हम यूज करेंगे, वी हियर विथ ईयर्स। ठीक है, हम कानों से सुनते हैं ना, तो कान अपने दो हैं तो इसीलिए ईयर्स आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें अपने एग्जांपल लेना है। जैसे हम हाथों से खाते हैं, हम पैरों से चलते हैं, तो ये अपना बॉडी का पार्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें एग्जांपल लेना है। नेक्स्ट लेते हैं हम वाहन के लिए, जैसे कि कार से आती हूँ तो कम बाय कार। ठीक है गाइस, इस प्रकार से आपको समझना है कि बाइक से आती हूँ मतलब कोई भी वाहन हो तो उससे आने के लिए हमें बाय का यूज करना है। ठीक है, बी बाई का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो इसका इसमें अपना से का यूज नहीं होगा, जैसे कि कार से आती हूँ, अब इसी को मैं ले लेती हूँ कि पैदल आती हूँ, मैं पैदल आती हूँ, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, आई कम ऑन फुट। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यूज करना है। तो आप समझ सकते होंगे कि जब कार आएगी तो हमें वाय का यूज करना है और पैदल के लिए ऑन फुट का यूज करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स और लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मैं कहूँ व्यक्ति के लिए, जैसे कि राम ने सीता से कहा, तो इसके लिए क्या होगा, राम सेड टू सीता, या फिर मान लो मुझसे बात करो। ठीक है, मुझसे बात करो, तो इसके लिए क्या आएगा, टॉक टू मी। ठीक है, टॉक टू मी, तो इसके लिए आपको इस प्रकार से यूज करना है, व्यक्ति से के साथ, व्यक्ति के साथ में से आएगा तो इस प्रकार से यूज करना है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एवं शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। धन्यवाद।